स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे पहले बात प्रदेश में बर्फबारी और बारिश ने ठंड को बढ़ा दिया है। बर्फबारी और बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भी बारिश हो रही है। घरों में कैद हैं लोग, ठिठुरन बढ़ती जा रही है, ठंड से काफी ज्यादा परेशानी। तापमान में भारी गिरावट और बर्फ की चादर पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। तो बड़ी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं इस वक्त की। घरों में कैद होने पर लोग मजबूर हैं क्योंकि लगातार बर्फबारी पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही है। बढ़ती ठंड से पर्यटकों की परेशानी भी बढ़ गई है। कई जो रोड्स हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होते हुए नजर आ रहे हैं बर्फ की वजह से। बर्फ की जो चादर है वो चारों तरफ बिछती हुई नजर आ रही है। बर्फबारी और बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट भी देखने को मिल रही है। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है। तो बर्फबारी और बढ़ती ठंड लोगों के लिए अब परेशानी बनती हुई नजर आ रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी से और भी ज्यादा ठिठुरन बढ़ती हुई और प्रदेश में भी बर्फबारी और बारिश ने ठंड को बढ़ा दिया है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो लगातार बर्फबारी और बारिश का जो दौर है, जो सिलसिला है वो जारी है, जिसका सीधा असर दिखाई दे रहा है कि अब ठंड तेजी से बढ़ रही है और साथ ही तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लोग अलाव का सहारा भी कई जगहों पर लेते हुए नजर आए। तापमान में भारी गिरावट है, लगातार बर्फबारी भी जारी है और साथ ही आपको बता दें कि बर्फ की जो चादर है वो आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरीके से बर्फ की चादर बिछती हुई नजर आ रही है। तो बर्फबारी और लगातार बारिश, हालांकि पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं जिनको भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। कई जो रूट्स हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं बर्फबारी की वजह से और ठंड और ठिठुरन दोनों काफी ज्यादा बढ़ गई है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि बर्फबारी का कई जगहों पर लोग लुत्फ उठाते हुए भी नजर आए, पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर परेशानी लोगों की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बारिश और बर्फबारी अब लोगों के लिए परेशानी बनती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि लगातार जो ठंड है वो बढ़ रही है, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कई जगहों पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रदेश में भी बर्फबारी का और बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। तो उत्तराखंड में भारी बर्फबारी, तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। सुभाष, लगातार बारिश और बर्फबारी ने ठंड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, फिलहाल क्या बारिश और बर्फबारी जारी है? बिल्कुल, उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग की भविष्यवाणी थी कि आगामी दिनों में जो मौसम है वो कहीं ना कहीं और ठंड प्रदेश में बढ़ाएगा, तो वो जरूर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, उसमें राजधानी हरिद्वार उधम सिंह नगर में कल जिस तरीके से मौसम काफी बदला है और कहीं ना कहीं ठंड जरूर मैदानी इलाकों में बढ़ी है, तो उससे कहा जा सकता है कि जो मौसम है वो जरूर उत्तराखंड में करवट बदल रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां भी उच्च हिमालय क्षेत्र है वहां बर्फबारी हुई है, उसके साथ ही बरसात लगातार पहाड़ों में कई स्थानों पर होती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही पहाड़ों में भी जो मौसम है वो बेहद सर्द हो गया है और इसके चलते अब जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड की तरफ अपना रुख करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सुभाष, और देखिए लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, सीधा असर हम मैदानी क्षेत्रों में भी देख रहे हैं, वहां पर भी ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है। लेकिन उत्तराखंड की अगर हम बात करें, पर्यटक नगरी है, तमाम जो पर्यटक है वो कहीं ना कहीं लुप्त उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। बर्फबारी का कई रास्ते भी ब्लॉक हुए हैं। अभी तक रास्ते ब्लॉक होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है उत्तराखंड में, क्योंकि इस स्तर की बर्फबारी या बरसात अभी तक उत्तराखंड में नहीं हुई। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो पर्यटक हैं वो जरूर आना उत्तराखंड में शुरू हो गए, लेकिन जो मौसम है वो बेहद सर्द हो गया और कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से तेज हवाएं मैदानी क्षेत्रों में देखी गई, उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें आने वाले दिनों में जो मौसम है वो बेहद सर्द हो सकता है और कहीं ना कहीं जो बर्फबारी है वो अब उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं, चाहे वो उसमें टिहरी की बात की जाए, उत्तरकाशी की बात की जाए, चमोली की बात की जाए, तो ये जरूर अब ठंड बढ़ा सकते हैं और बर्फबारी वहाँ देखने को मिल सकती है आने वाले एक दो दिनों में। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे।